ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी के मौके पर अज श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए तो शहीद होए सिखां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। इस इतिहासिक दिन समागम च भाग लैण पहुंचियां सिख जथेबंदियां ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा हवा च नंगियां तलवारां भी लहराईयां। इस मौके श्रद्धालुओं वालों कोरोना नूं लैके पंजाब सरकार वालों जारी दिशा निर्देशों नूं भी अणदेख्या कीता गया। मौके पर बोलदिया श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के मुखी सिमरनजीत सिंह मान ने खालिस्तान का समर्थन करते हुए SGPC दी चोणां ना होण दा कारण बादल परिवार नूं दस्सिया। बरगाड़ी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी लई भी उन्हां बादल परिवार नूं जिम्मेवार ठहराया। ये सेंटर बादल दलियां दे नाल रलिया होया है। SGPC दी टर्म खत्म हो गई है। इहदा म्याद 5 साल की होंदी है और 10 साल तो इहदे इलैक्शन नहीं हो रहे। सिख कौम नूं जमहूरीयत तो ओहले किया जा रहा है जिहड़ा कि असी सिख जमहूरीयत पसंद लोग हैं। सानू बहुत रोस है, इस करके इस SGPC ने 328 महाराज के सरूप गायब करते हैं। बरगाड़ी दे विच सरसे साध दे नाल रल के गुरु ग्रंथ साहब दे शरीर नूं गलियां दे विच ते गंदियां नालियां दे विच रोड़िया ते जिहड़े जज हाई कोर्ट ने फैसला किया कि SIT खराब है वह नहीं चलूगी, उस दे खिलाफ पार्लियामेंट दे विच इंपीचमेंट होनी चाहिए है। ये जिहड़ा जज है एडवोकेट जनरल तो छोटा सी जो चौटाला साहब हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सीगे। चौटालिया का तो बादल का बहुत अच्छा रिश्ता है ते बादल ते चौटाले ने रल के अपने जज तो ये फैसला सुनाया। पर ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने ते SGPC ने जो इसने फैसला किया उसके खिलाफ कोई निंदा नहीं की हैगी। इस मौके SGPC दी मुखी बीबी जगीर कौर ने कहा कि सिखां नूं अपने धर्म स्थान अपनी जिंदगी नालों भी वधेरे प्यारे हैं। उन्होंने कहा कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों अज सिख कौम नूं एकता विच रह के अपनी कौम नूं मजबूत बनाउण दा संदेश दिता गया। उन्होंने कहा कि सरकारां वालों सिख कौम नूं बहुत जख्म दिते गए हैं ते उन्हां शहीदां दी याद च एक गैलरी बहुत जल्दी बनाई जाएगी। कोरोना काल विच सरकार ते सही ढंग नाल काम ना करन दे आरोप लगा उन्होंने कोरोना कारण अपनियां जानां गवा चुके लोगों के बच्चों को गोद लैण की भी गल आखी है। 4 जून तो लगातार वह भी मैं अरदास करती सच्चे पातशाह संगतां नूं रजा विच रहण की ताकत बख्शी, क्योंकि गुरु साहब ने सानू कोई भी पाणा वरत्या उहदे वास्ते रजा विच रहण वास्ते ही सानू सारिआं नूं हिम्मत नाल जरन की भी शक्ति दित्ती है। ये साडे सारिआं वास्ते पैगाम है ते नाल ही सानू सारिआं नूं जो एक बहुत उत्साह मिलता कि सूरा सो पहचानी है जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबूना छाडा खेत। इस सारिया गल्ला तो असी अज इत्थे नमस्कार करते हैं तो उन्होंने शहीदों को श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं। जिहड़ा अज मानवता की मनुखता की बहुत वड्डी पीड़ बनी हुई है वह है करोना COVID-19 जिहड़ा महामारी के रूप में अज देश विच फैलिया होया। दुनिया भर के लोग इस गल नाल हिल गए कि बीमारी का इलाज नहीं, पर फिर भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और होर सिख संस्थावां दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी धार्मिक जथेबंदियां समाज सेवी जथेबंदियां लगातार उहदे नाल जूझ रही हैं। जे सरकारां ने कदम बहुते वड्डे नहीं चुके, जे सरकारां ने अज कई बारी दवाइयां विच भी वैक्सीन विच भी बहुत वड्डियां अणगहलियां भी कीतियां ते हस्पतालां दे विच कोई इलाज वास्ते प्रबंध नहीं कर सके पुख्ता। अमृतसर तों मोहित दी रिपोर्ट द समर न्यूज़। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुल्यो।